Hi guys, welcome back to my channel. My name is Indira. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और अगर आप ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं सो थैंक यू वेरी मच तो आज का वीडियो होने वाला है माय लेटेस्ट बैंगल कलेक्शन एंड काफ़ी सारी बैंगल्स मैंने खरीदी थी रिसेंटली वाइल शॉपिंग फॉर माय ब्रदर्स वेडिंग एंड ऑल्सो वेन आई वेंट टू एन एग्जीबिशन तो वहाँ से काफ़ी सारी बैंगल्स मैंने यहाँ वहाँ से कलेक्ट की थी सो आई थॉट कि सारा कुछ मिला के एक छोटा सा हॉल वीडियो बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए सो so, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ग्लास की बैंगल्स जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में हैं अलग अलग शेप्स और डिज़ाइन में ये बैंगल्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में बट मैं इस टाइप के बैंगल्स काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी एंड लकीली एक एग्जिबिशन में मुझे ये बैंगल्स मिली सो so, मैंने ये चार खरीदी एंड uh, इस टाइप की ये बैंगल्स हैं बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट uh, डिज़ाइन है इन पर एंड फिनिशिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी है इनकी एंड चार मैंने खरीदी ताकि अगर एक साथ भी पहननी है एक हाथ में तो आप चार पहन सकते हो नहीं तो दो हाथ में दो दो एंड बीच में दूसरी बैंगल्स लगा के भी आप इन्हें पहन सकते हो सो so, इनको मैंने स्टाइल किया था दो ओकेजन्स में विथ मेजेंटा कलर प्लेन बैंगल्स एंड बहुत ही ब्यूटिफुल बैंगल्स हैं ये सो नेक्स्ट बैंगल्स हैं ये पर्ल बैंगल्स और ये जो बैंगल्स हैं ये भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है पर्ल की सारी एक्सेसरीज़ आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग हैं सो so, ये जो है काफ़ी मुझे वर्सिटाइल लगी आप किसी भी ड्रेस सूट साड़ी के साथ इधर वेयर कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप इनको प्लेन बैंगल्स के साथ भी क्लब करके पहन सकते हो सो so, इस तरीके का ये सेट था चार बैंगल्स का तो ये बैंगल्स मैंने लोकल मार्केट से ही ली हैं एंड ये आई थिंक मैंने 350 की ली थी क्वालिटी वाइज दीज आर वेरी गुड और जो नेक्स्ट बैंगल्स है वो है इस टाइप के कड़े और ये रिवर्स एडी कुंदन या कुछ इसको बोलते हैं एंड बहुत ही अच्छा और म्यूटेड सा कलर है इसका तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये और इस टाइप के ये हैं यहाँ से जो है काफ़ी डेप्थ है इसमें तो उठे उठे से बैंगल्स हैं ये और इस टाइप का इसमें डिज़ाइन है सो so, ये दो का पेयर था एंड आई थिंक आई गॉट इट फॉर 800 एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है साथ में जिस शॉप से मैंने इसे लिया था Uh, उन्होंने वारंटी भी दी है फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज सो आई थिंक दिस इज़ रियली वर्थ बाय नेक्स्ट जो बैंगल्स है वो है इस तरीके की टेम्पल uh, ज्वेलरी वाली बैंगल्स एंड ये भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में हैं अगर आप इस टाइप के कड़े पहन लो तो आपको और बैंगल्स या कुछ ज्वेलरी uh, पहनने की ज़रूरत नहीं है दे इट्स सेल्फ मेक अ वेरी गुड स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरीके के जड़ाऊ पर्ल का काम है इसमें और यहाँ पे अगर आप देखोगे साइड से तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एलिवेशन है तो जो एक्चुअल बैंगल का साइज़ है उससे ये काफ़ी बड़े दिखते हैं पहनने में एंड यहाँ पर भी बहुत सुंदर छोटे छुट छोटे मोती बने हुए हैं गोल्डन कलर के एंड बाय द वे ये ओपनेबल है तो यहाँ पे इन्होंने स्क्रू दिया है तो आप इसे ओपन करके पहन सकते हो या फिर अगर अगर ऐसे ही आपके हाथ में आ जाए तो आप ऐसे मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ वैसे बट इसमें इन्होंने स्क्रू uh, भी दिया है सो यू कैन ओपन इट एंड वेयर दम सो इस तरीके की ये बैंगल्स का सेट है दिस ऑल्सो आई थिंक आई गॉट फॉर 800 हंड्रेड बिकॉज जिस शॉप से मैंने ये लिया था वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा था इस टाइप की ज्वेलरी पे सो so, उसी शॉप से मैंने ये ए डी वाले और ये वाले बैंगल दोनों मैंने एक ही शॉप से लिए सो so, एक और बैंगल जो मैंने उस शॉप से लिया वो है इस टाइप का टेम्पल ज्वेलरी का कड़ा बहुत ही सुंदर वर्क है इसमें एंड uh, अगर आप देखो तो यहाँ पे इस टाइप से पीकॉक बना हुआ है और यहाँ पे फ्लावर्स हैं बीच में रेड uh, और ग्रीन uh, कलर के इसमें जेम्स uh, लगे हुए हैं और यहाँ पे घुंगरू है यहाँ से काफ़ी ब्रॉड है ये और uh, नीचे से यहाँ से पतला है और ये भी ओपनेबल है इसमें यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है एंड इस टाइप का इसका शेप है तो ये आपकी जो कलाई का जो शेप है वो ले लेता है एंड ये भी पेयर uh, था सो आई गॉट टू फॉर एट हंड्रेड सो एक मैंने अपने लिए रखा है एंड वन आई गिफ्टेड टू माई फ्रेंड नेक्स्ट जो बैंगल्स हैं वो है इस टाइप के कुंदन के कड़े और ये भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है एंड आपको ये अलग अलग शेप में भी मिल जाएंगे जो टीयर ड्रॉप शेप होता है वो शेप में भी आपको मिल जाएंगे और ये वाले जो हैं ये इस तरीके के राउंड हैं और आपको ये विथ मीना और विदाउट मीना भी मिल जाएंगे प्लेन कुंदन के और इसमें जो है दो कलर हैं ग्रीन और रेड मीना दो कलर्स के बैंगल्स हैं ये और इसमें आपको सिंगल कलर का भी मिल जाएगा तो ये जो है ये भी आप किसी भी ड्रेस के साथ सूट या साड़ी के साथ मैच करके पहन सकते हैं एंड काफ़ी रीजनेबल था ये आई थिंक आई गॉट दिस फॉर टू फिफ्टी सो जब मैं लोकल मार्केट गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए वे थे बैंगल्स लेके एंड आजकल ये जो वेलवेट बैंगल्स हैं ये बहुत ही ट्रेंड में हैं सो so ये बैंगल्स उनके पास थी बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में और ये टू डजन बैंगल्स हैं और उसके साथ ही उन्होंने बीच में इस तरीके की गोल्डन बैंगल्स भी लगा के दिए हैं सो so, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये सो आई जस्ट गॉट देम इन टू थ्री कलर्स सो एक मैंने ये इस तरीके से ये डार्क ग्रीन कलर में लिया है और एक मैंने लिया है ये रेड कलर और एक मैंने लिया है ये मेजेंटा कलर सो so, इन बैंगल्स को मैंने अलग अलग टाइप से स्टाइल किया था और आई थिंक दो तीन ओकेजनस में तो मैं ऑलरेडी इन्हें पहन चुकी हूँ करवा चौथ पे भी मैंने अपने सूट के साथ इन्हें पहना था इस तरीके से ये ग्लास बैंगल्स के साथ पेयर करके एंड जो मेरे भाई का संगीत या जागो फंक्शन था उसमें भी मैंने इन बैंगल्स को पहना था और उसमें इनकी क्वान्टिटी बढ़ाने के लिए मैंने बीच में ये जो मोटा वाला कड़ा है इसको ऐड कर दिया था कुछ इस तरीके से सो so, बहुत ही ब्यूटीफुल ये मिक्स एंड मैच जो है सेट और बहुत ही यूनिक सेट जो है बनके तैयार हो गया अगर आप शॉप्स पे जाओगे तो शॉपकीपर्स भी आपको सेट बना के दे देते हैं पर अगर आपके पास इस टाइप के कड़े हैं तो आप अपने आप ही कुछ भी बैंगल्स को मिक्स एंड मैच करके सेट बना सकते हो ओके okay, सर so, जो नेक्स्ट बैंगल्स हैं वो है इस टाइप की रोज गोल्ड बैंगल्स ये भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है रोज गोल्ड कलर की ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंडिंग है एंड ये बैंगल्स जो है मैंने ले ली इस टाइप के कड़े हैं बेसिकली ये सो बेसिकली ये दो अलग अलग बैंगल्स के सेट हैं ये चार करों का सेट है इस तरीके से और ये दो बैंगल्स हैं तो ये एक सेट था और ये एक सेट था सो so, इनको मिला के मैंने इस तरीके से uh, सेट बनाया है सो so, बीच में मोटा वाला कड़ा और साइड में पतले वाले एंड ये इस तरीके से मैंने इसका सेट रेडी किया सो so, ये हंड्रेड हंड्रेड के मुझे मिल गए थे काफ़ी रीज़नेबल हैं काफ़ी सुंदर बैंगल्स हैं ये सो so, इस तरीके से ये सेट है आप इन्हें ऐसे भी पहन सकते हैं या फिर बीच में और बैंगल्स ऐड करके आपके ड्रेस के अकॉर्डिंगली मैच करके आप इसका पूरा सेट बना के पहन सकते हैं सो so, रोज गोल्ड बैंगल्स में मैंने एक और सेट खरीदा और वो है इस टाइप की ए डी बैंगल्स का सेट सो so, इसे भी मैंने वैसे ही रेडी किया है ये दो बैंगल्स का सेट है इस टाइप से ये चार जो पतली वाली बैंगल्स है इनका एक अलग सेट था ये इस टाइप की ये बैंगल्स हैं बहुत ही इसमें यू नो बारीक स्टोन है और ये दो मिंट ग्रीन एंड रोज़ गोल्ड कलर की बैंगल्स हैं इनका अलग से ये पेयर था सो आई बॉट दीज टू एंड इनको भी मैंने इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहनने के लिए लिया है तो so, ये सेट मुझे पड़ा है अराउंड इलेवन हंड्रेड रुपीज़ का इस टाइप की जो मिंट की बैंगल्स हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल और इसमें आपको जो लाइट पिंक कलर होता है वो भी मिल जाएगा एंड ओनली रोज गोल्ड में भी आपको इस टाइप की बैंगल्स या ब्रेसलेट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगी सो so, ये वाली जो बैंगल है इसको आप अपनी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी पेयर कर सकते हो एज अ ब्रेसलेट सो so, काफ़ी वर्सेटाइल है ये तो so, आज कल जड़ाऊ ज्वेलरी भी बहुत ट्रेंड में है बहुत पहले इस टाइप की ज्वेलरी पहनी जाती थी एंड नाउ द ट्रेंड इज कमिंग बैक सो इस टाइप का एक कपड़ा भी मैंने लिया जड़ाऊ ज्वेलरी में और काफ़ी हैवी है ये पहनने में अगर आप इसे पहनोगे तो इसका आपको काफ़ी वेट भी फील होगा एंड इसमें भी स्क्रू uh, दिया गया है इट्स एन ओपनेबल ब्रेसलेट काइंड ऑफ अ थिंग एंड बहुत सारी मल्टी कलर इसमें स्टोन्स हैं जड़ाऊ नो वर्क किया गया है इसमें ऐसे सो so, अंदर भी आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी है तो इस टाइप का ये कड़ा है इसे आप किसी भी टाइप की ज्वेलरी के साथ पेयर अप करके पहन सकते हैं तो अगर आपने मेरे चैनल पर वेडिंग सीरीज़ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पंजाब गई थी अपने भाई की शादी के लिए तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी ली थी एंड uh, जो बैंगल्स हैं वो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बैंगल हॉल में ही इंक्लूड कर लेती हूँ सो so, uh, ये एक बैंगल्स का सेट है जो मैंने वहाँ से ख़रीदा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल्स हैं ये देखने में ग्लास की लगती हैं बट दे आर एक्चुअली मेटल एंड uh, यहाँ पे जो है इस तरीके का ये ब्लैक कलर का uh, बीड्स का वर्क है ब्लैक सिल्वर एंड जो बैंगल है वहाँ पे लाइनिंग जो इसकी है वो गोल्डन है तो ब्लैक बैंगल्स जो है बहुत इजीली मिलती नहीं हैं सो so मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड मुझे एक ब्लैक कलर का सूट भी मिला है गिफ्ट में तो so मुझे लगा कि उसके साथ पहनने के लिए ये काफ़ी अच्छी रहेंगी एंड इसमें इस तरीके के पतले कड़े हैं और बीच में इस तरीके का मोटा कड़ा है बहुत सारे डिज़ाइंस थे इसमें बट मुझे इस टाइप का ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा लगा इसी टाइप का मैंने एक और बैंगल सेट लिया और वो है इस टाइप का पर्पल कलर में और ये भी बहुत ही प्रिटी है इसमें पर्पल और सिल्वर स्टोन्स लगे हुए हैं और इसमें भी चार पतली बैंगल्स हैं और बीच का ये कड़ा है और ये जो बैंगल्स हैं ये मुझे हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ का पूरा सेट मिल गया तो जितनी भी बैंगल्स मैंने आपको इस हॉल में दिखाई हैं वो इस टाइप की हैं जो आप दूसरे बैंगल्स के साथ पेयर करके पहन सकते हो किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो और किसी भी कलर की ड्रेस के साथ पहन सकते हो लाइक जो ये इस टाइप का जड़ाऊ बैंगल है या फिर जो ग्लास के मैंने आपको कड़े दिखाए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसी भी आपकी ड्रेस के साथ इस टाइप की बैंगल्स मैच हो जाएंगी एंड साथ में ये मैंने कड़ लिए जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही मोटे कड़े हैं ये एंड सिल्वर एंड वाइट बीट्स का इसमें वर्क है ये भी बैंगल्स इतने वर्सेटाइल हैं कि इसे आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन लो यू नो कंट्रास्ट में भी आप इन्हें पहन सकते हो बहुत ही सुंदर लगेंगे और अगर आप चाहो तो इसके साइड पे आप पतली पतली बैंगल्स भी लगा के पहन सकते हो बहुत ही प्यारे लगेंगे ये ये वाले भी मुझे हंड्रेड रुपीज़ के मिले सो so, आज के हॉल की लास्ट बैंगल्स हैं ये पर्ल के कड़े और ये मैंने आपको अपने आई थिंक रैनक बाज़ार के शॉपिंग वीडियो में भी दिखाए थे उसमें लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा सो so, ये मैंने आपके साथ वहाँ पे भी शेयर किए थे तो so, इस तरीके से ये गोल्डन कलर के कड़े हैं और इसमें पर्ल का वर्क है सो so, बहुत ही सुंदर है ये भी तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा इस हॉल में जितने भी बैंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो इस टाइप की हैं जो आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो ये भी जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है इसके साथ भी ये बैंगल जो है मैच कर जाएगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इफ़ यू हैव फ्यू नाइस स्टाइल पीसेस तो वो आप रिपीट कर सकते हो मिक्स एंड मैच करके उसको उसका लुक चेंज करके आप किसी भी ड्रेस के साथ उसे पहन सकते हो जैसे कि ये कुंदन के कड़ों के साथ मैं साइड में ये वाले पर्ल के कड़े लगा के भी पहन सकती हूँ And, uh, मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है एंड स्टिल मेरा एक नाइस यू नो बैंगल सेट जो है वो रेडी हो गया जो मैंने आपको पर्पल बैंगल्स का सेट दिखाया था उसके साथ भी देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिक्स एंड मैच किया है एंड देखिए कितना ईजी है mix and match करना किसी भी बैंगल्स uh, के साथ और uh, आपकी ड्रेस के साथ एक यू नो डिजाइनर बैंगल्स का सेट जो है वो रेडी हो जाएगा सो so, गायज ये था आज का बैंगल हॉल आई होप यू ऑल इन्जॉय द वीडियो एंड आई होप आपको मेरी कलेक्शन अच्छी लगी हो अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कोई कॉमेंट्स हैं सो प्लीज़ राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा आई डी है इंदिरा डॉट भुल्लर काफ़ी सारी रील्स और काफ़ी सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ सो डू फॉलो मी देयर ऑल्सो गाइज एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय